नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव, पेशे बुलेटिन होत फजीरी। जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाना, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए सवाल खड़े करना किसी सत्ता का विरोध नहीं होता। आज जनता और मीडिया दोनों ही अपनी जवाबदेही से विमुख है, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य जयशंकर गुप्त का। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारतीय पत्रकारिता और जनता को अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से सीधे सवाल जवाब करना चाहिए। हमारे संवाददाता कृष्णकांत पाठक ने बताया कि जयशंकर गुप्त रविवार को बिल्थरा रोड नगर स्थित सूर्या पैलेस में अमन बर्नवाल के पहले काव्य संग्रह यादों का कारवा के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। साहित्यकार सुरेश चंद त्रिपाठी, रमाकांत यादव, अनूप हेमकर, राजेश गुप्त, विनय विश्वात्मा, देवेंद्र कुमार गुप्त आदि ने भी इस मौके पर अपनी बात रखी। जिले के सभी विधायकों को 25 फरवरी को और सांसदों को 28 फरवरी को मांग पत्र सौंपेंगे कांग्रेसी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे किसान जनजागरण अभियान के तहत किसानों की मांगें पूरी करवाने के लिए ऐसा किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को संबंधित विधायक से 24 फरवरी तक समय लेने का निर्देश दिया था। नेशनल हाईवे 31 के यूपी बिहार सीमा पर बने माझी के जयप्रभा सेतु पर रविवार की देर रात पिकअप के चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि इस हादसे में घायल सारण के एकमा निवासी 25 वर्षीय राजीव रंजन सिंह, 21 वर्षीय यादवेंद्र सिंह और 18 वर्षीय दिवाकर विक्रम सिंह को तत्काल माझी अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों रेवती में एक रिश्तेदार घर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एकमा लौट रहे थे। उधर नगरा सिकंदरपुर मार्ग पर डिहवा गांव के पास सोमवार को दो बाइकों की टक्कर में बाइक सवार 40 वर्षीय राम नरेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएचसी नगरा के चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पिपरसाद थाना हलदरपुर जिला मऊ निवासी हैं राम नरेश यादव। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पीएसी जवान को रौंद दिया। इस हादसे में पीएसी जवान पृथ्वीनाथ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पृथ्वीनाथ सिंह 10वीं वाहिनी पीएसी में तैनात थे। 1987 बैच के पीएसी कांस्टेबल पृथ्वीनाथ सिंह मूल रूप से बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत नौका गांव के रहने वाले थे। बांसडी बलिया रोड पर राजपुर चट्टी के पास सोमवार की देर शाम हुए हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता रविशंकर पांडे के मुताबिक इस हादसे में साहोडीह निवासी बाइक सवार मंटू राजभर, अनिल राजभर और मनोज ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथे युवक अखिलेश को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। चारों युवक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और चारों एक ही बाइक पर सवार थे। जी सर, कैसा मामला आया हुआ है हॉस्पिटल में? अब एक बांसडी कोतवाली का 4 एक्सीडेंटल केसेस आए हैं, जिसमें 3 ब्रॉड डेड है, एक का हालत काफ़ी नाजुक है, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके बीएचयू रेफर कर दिया गया। सर क्या नाम है उसका जिसको रेफर किया गया? जिसको रेफर किया गया उसका नाम अखिलेश है। दुवार थाना क्षेत्र के विसनी डेरा मोड़ पर आधी रात गए कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में कार सवार दीपक पाल निवासी चैन छपरा थाना रिविलगंज जिला छपरा की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। रसायन विज्ञान की परीक्षा में फर्जी हल कॉपी वायरल की गई थी, हालांकि परीक्षा से पहले ही इसकी सूचना SDM विपिन कुमार जैन को मिल गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने परीक्षा शुरू होने के बाद बाकायदा इसका मिलान करवाया। रसड़ा क्षेत्र में सोमवार को दूसरी पाली में ऐसा हुआ। बिल्थरा रोड में इंटर की रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र परीक्षा पहले से ही आउट होने की अफवाह पर अधिकारी आज हाफते रहे। सिवान के कर्ण कुमार के स्थान पर उसके चचेरा भाई राकेश कुमार को परीक्षा देते पकड़ा गया। सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज रानीगंज के प्रधानाध्यापक ने उसे बैरिया पुलिस के हवाले कर दिया। उधर एनडी इंटर कॉलेज छेड़ी में अनुचित साधन का उपयोग करने पर 4 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने बताया कि सोमवार को सिकंदरपुर तहसील के बेदुआ में स्थित
माँ मालती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में इंटर रसायन विज्ञान की परीक्षा में चार छात्राओं की कापियां पहले से लिखी हुई मिली। बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक ड्यूटी के बाद भी उपस्थित न होने पर बीएसएस शिवनारायण सिंह ने कुमकुम देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय लेदही खेजुरी में कार्यरत अध्यापिका सुशीला देवी कुमकुम देवी पर कार्रवाई की है। 15 के प्राथमिक विद्यालय जेठवार नंबर 1 की सहायक अध्यापिका राजकुमारी पर बीएसए ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। बैरिया पुलिस ने रविवार की देर शाम माझी जीप स्टैंड से बिहार ले जाई जा रही 3 पेटी बियर को बरामद किया है। साथ ही यो 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विकास चौधरी और अनिल कुमार निवासी दानापुर थाना दानापुर जिला पटना को गिरफ्तार कर लिया है। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।